सर, एक तो बड़ा अच्छा लगा आपके हाथों रिलॉन्च करा के भड़ाका मीडिया को। और हम लोग मानते हैं कि देश में इस समय कुछ ही ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो वाकई अपने तेवर और सरोकार के जरिए जो है हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो किताब आपने लिखी है अंबानी की लूट के खिलाफ, जिसकी काफ़ी चर्चा है, और उसको लेके ये कैसे आइडिया आया कि मतलब इस पर एक किताब लिखी जानी चाहिए? मैं पहला बात जो कहना चाहता हूँ कि इतना तारीफ मत कीजिए, लोगों को नज़र लग जाए, पहला बात। दूसरी बात है, देखिए ये जो किताब है, ये जो प्राकृतिक गैस के ऊपर जो विवाद है, मैं और हमारे साथ जो हम दो हमारे जो को ऑथर है, एक है बेंगलोर में वो रहते हैं सुबीर घोष, और हमारे सहकर्मी हैं दिल्ली में ज्योतिर्मय चौधरी, हम दोनों मिलके करीब 4.5 साल लगा ये किताब तैयार करने के लिए। और ये किताब हम इसी साल में अप्रैल महीना में हम लोग प्रकाशित, ये हम मैं खुद इनका प्रकाशक हूँ, मैं पब्लिशर हूँ। इसके पहले एक काफ़ी जाने माने एक पब्लिशर हार्पर कॉलिंस के साथ हमारा एक समझौता था, मगर उन्होंने कहा कि ये किताब को आधा बना दो, और अगर आप आधा बना देंगे तो हम ये किताब को मई महीना में हम निकाल देंगे। आधा बना मतलब आधा कम कर दो? हाँ, काम कर दो। अभी इस वक्त इसका 600 पृष्ठ का ये किताब है जी। ये मेन जो किताब है ये 400 है, और इसके अंदर जो अपेंडिक्स है, एनेक्सचर्स है, ये और 200 पेज का है जी। तो उन्होंने कहा इसको आधा बना दो, और आधा बनाने के बाद आप हम मई महीना में जब चुनाव का नतीजा आएगा तब तक हम निकाल देंगे। तो मैं उनको कहा कि देखिए, मैं सारा जिंदगी ऐसे हम अगर आपकी बात मान लिया तो मैं सारा ज़िंदगी रो सकता हूँ, तो आप बताइए क्या रास्ता है हमारा। तो बोलिए नहीं, ठीक है फिर आप अग्रीमेंट ख़त्म कर दीजिए, खारिज कर दीजिए। तो मैंने बोला आपने हमें जो पैसा दिया था 15,000 रुपये, मैं आपको वापस दे देता हूँ। बोला हाँ दे दीजिए। मैं कहा कि इसके ऊपर अगर वैज दर चाहते हैं हम वो भी देने के लिए तैयार है। बोला नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो हमने वापस दे दिया हार्पर कॉलिंस को 15,000 रुपया, और फिर हम खुद प्रकाशक बन गया, खुद प्रकाशक बन गए। हाँ, और एक हमारे साथ ऑथर्स अप फ्रंट करके हैं, एक छोटा सा कंपनी है, इसमें मनीष पुरोहित और अर्पिता दास है, और हम ये किताब इसको छपा हमने, और हमने छपा, और मैं आश्चर्य हो गया कि इतने लोग अभी खरीद लिए हैं, करीब 7,000 लोग, 7,000 कापियाँ बिक चुकी हैं। हाँ, बिक चुके हैं पहले 2.5 महीने में, अप्रैल मई जून, और अब जुलाई महीने में। और सबसे जो जो सब लोग को आश्चर्य कर दिया, वो बोला हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उनका जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अंबानी कह रहे कि आप उनका मानहानि किया। और कुछ दिनों के बाद छोटा भाई अनिल अंबानी, वो भी एक उनका जो वकील है मुल्ला, वो भी एक चिट्ठी हमारे पास पहुंचा दिया, कहा कि मैं भी उनका भी मानहानि किया। और एक तीसरी वकील का एक और चिट्ठी आया, वो भी खेतान एंड कंपनी से, उसमें वो लिखा कि आपसे मानहानि नहीं किया, आप 10 दिन के अंदर हमें 100 करोड़ रुपया वापस दे दीजिए, नहीं तो आपको हम आपको जो करना है हम करेंगे। मतलब ये पूरा धमकाने के लिए जो है। हाँ, और सिर्फ हमें सिर्फ नहीं, बहुत सारे लोगों को धमकाने के लिए कोशिश किया, कि साथ साथ हमारा जो को ऑथर है उनको, फिर साथ जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, एक महिला जो हमें कुछ मदद किया कि हमारा जो जो कार्यक्रम का जो इनविटेशन है, जो इनविटेशन है वो ईमेल किया किसी लोगों को, उनको भी चिट्ठी पकड़ दिया इन्होंने। और पहले मतलब जो प्रोग्राम हुआ लॉन्चिंग का, उसकी इनविटेशन को जो बनाने वाली महिला है उनको भी नोटिस है, उनको भी नोटिस पूछा गया। तो ये बहुत आश्चर्य बात है, क्योंकि देखिए ये उसके बाद हमने बोला कि देखिए मैं तो नहीं समझता मानहानि किया किसी का, अपने एक भी ये जो सूचना है किताब में अपने एक जगह भी नहीं लिखा कि हमने सूचना कुछ गलत लिखा है। आपके पास रिलायंस के जो प्रवक्ता है उनके पास हमने किया, उनका लंबा इंटरव्यू किया, उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो भी सारी चीज़ है किताब के अंदर। तो हमारे देश में हमारा संविधान में 19(1) धारा भी है, उसमें है कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता भी है, हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार। तो 19(2) धारा जो है उसमें कोई युक्तिगत प्रतिबंधन का भी एक संविधान में लिखा है। मैंने ऐसे क्या किया जो आप कहते हैं इसमें आप प्रतिबंधन लगाना चाहिए, क्योंकि वकील ने कहा ये सारे किताब
चूल्हे में डाल दो, वेबसाइट से आपका हटा दो, अंबानी के वकील ने कहा ये। हाँ, तो मैंने से आपके बात हम मानने के लिए खूब तैयार हूँ। और इन्होंने डरा दिया, फ्लिपकार्ट को भी डरा दिया और अमेजोन को भी डरा दिया। तो मैं उनको समझाया कि देखिए ये सिर्फ एक वकील का चिट्ठी है, अगर कोई अदालत कुछ कहता है ये अलग बात है, मगर ये मैं कह रहा हूँ अप्रैल महीना में, और आपके साथ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ इसका अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, करीब इस समय तक अभी तक उन्होंने कहीं अदालत में नहीं ले गया, मगर लोगों को धमकी दिखाने के लिए कह रहे हैं। जब किताब का लॉन्च हुई थी मैंने कहा कि सीबीआई ने एक कार्यक्रम किया विज्ञान भवन में, जहाँ जो भूतपूर्व पश्चिम बंगाल का राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी, उन्होंने कहा कि एक समय हम कहते थे पैरेलल इकोनॉमी है, अब पैरेलल स्टेट है, उनका नाम है रिलायंस, उन्होंने नाम करके कहा, सबके सामने किया, एक सार्वजनिक मंच से उन्होंने किया। तो मैंने जब हमारा किताब का लॉन्च में ये बताया कि आज गोपाल कृष्ण गांधी ये कहा कि उनका सोच में अभी पूरा भारतवर्ष का इतिहास और दक्षिण एशिया का इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि एक कंपनी पूरा जो देश के अलग अलग जो संशोधन है, जो प्राकृतिक संशोधन है, जो 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 आर्थिक संशोधन है, इसके ऊपर इतने इनके इतना संचालन करने का क्षमता है। तो मैं जब ये कहा, फिर वकील कह रहे कि हमने माना नहीं किया, तो मैंने कहा कि देखिए अगर आपका कोर्ट का कोई ऑर्डर आएगा तो मैं कोर्ट के उस समय हम सोच लेंगे। और देखिए सबसे जो आश्चर्य बात है कि एक किताब का समीक्षा बहुत कम लोग किया, बहुत कम लोग, हाँ, आउटलुक मैगजीन में 2 पेज इन्होंने छापा, ठीक है, प्रेमशंकर झानी ने तहलका में कुछ लिखा, एक और पत्रिका है चेन्नई से आते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट, वहाँ पे लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का मुंबई मिरर के भी एक लिखा किसी ने, मगर सारे अखबार लिखा ये मानहानि के ऊपर, जो धमकी दिया, जो वकील का चिट्ठी, मगर किताब में क्या लिखा है, मतलब धमकी के बारे में सबने पब्लिश किया, सबने पब्लिश किया, मगर किताब, किताब में कंटेंट क्या है इस पर किसी ने समीक्षा किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। और ऐसे 2 अखबार है जो ऐसे ये किताब छपाई नहीं है, ऐसा लगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस में एक भी कोई एक उल्लेख भी किसी ने नहीं किया, इकोनॉमिक टाइम्स में भी कुछ नहीं किया। मेरा कहना यह है कि ठीक है आप कह सकते हैं कि अच्छी किताब नहीं है, एक बहुत खराब काम मैंने किया, ये बुरा काम किया, या ये भी आप कह सकते हैं आप मेरे साथ सहमत नहीं हैं, मगर लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे मीडिया के अंदर, उनके लिए ये किताब छपा भी नहीं। आपको मैंने कहा कि इसका 7,000 कॉपी बिक गया, इसका 4,000 हार्ड कॉपी, 2,000 पेपरबैक और डाउनलोड ने लोग किया। हमें आज लोग बोला कि किसी ने पायरेट कर गया, मेरा बौद्धिक संपत्ति भाई चोरी हो गया, मतलब पायरेट करके डाल दिया किसी ने, हाँ पायरेट कर दिया। मगर संजय बारू का किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अपना तमाल बंदोपाध्याय का किताब सहारा एन अनटोल्ड स्टोरी, पीसी पारक का किताब कोहली एक के ऊपर, ये सारे किताब जैसा बेचा, हमारा किताब भी इतना बिका। तो आज देखिए एक और आश्चर्य हो गया हमें इस विषय के ऊपर, मुंबई के प्रेस क्लब ने कार्यक्रम किया, कमरे में 50-60 लोगों का जगह था, 100 लोग पहुंच गए थे, 10-12 टेलीविजन कैमरे थे, बहुत सारे सवाल उठाए लोगों ने, मणिशंकर अय्यर थे, कुमार केतकर जी थे, गोविंद राज एथिराज थे, और मुंबई प्रेस क्लब का जो अपना गुरबीर सिंह वहाँ का जो सचिव है उन्होंने थे, वही कहानी मीडिया ने एक लाइन 2 लाइन इधर, पूरे आयोजन के बारे में इतने लोग थे, हम आश्चर्य हो गए थे, इतने सवाल उठाया, इतने सवाल जो जो पत्रकार जो इस विषय के ऊपर हर रोज लिख रहे हैं, जो जानकारी है, ऐसे सवाल उठाया, मगर बाद में अखबार में बहुत कम लिखा, थोड़ा बहुत आया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं लिखा। तो हमें लगा कि देखिए आज आप, आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरा कोई सूचना गलत है तो आप मैं अदालत ले जाइए, अगर मैं जानबूझ के किसी को मानहानि किया आप अदालत जाइए, अगर मैं नहीं समझता हूँ मैं किसी को मानहानि किया। आज ये जो प्राकृतिक गैस किस तरह से आवंटन हो रहा है, इसका दाम क्या होना चाहिए, ये सचमुच आम आदमी को फायदा उठा रहा है कि नहीं, नहीं ये कंपनी को फायदा मिल रहा है, ये एक आलू एक एक
टिप्पणी का विषय है, ये एक चर्चा, एक, का, एक विषय चर्चा का विषय है, एक 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 विवादित विषय है, और मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं 4 साल से बहुत सारे इस विषय के ऊपर चर्चा हुआ, यही है हमारी किताब जी।